केस टूथ माँ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं, ना समोसा ना कचौड़ी, तो चलिए देखते हैं कि क्या बनेगा। फटाफट बनाना शुरू करते हैं। बरसात में फटाफट बन जाने वाला यूनिक नाश्ता बनाने के लिए हम पहले स्टफिंग बना लेंगे। उसके लिए गैस पे हम सरसों के तेल में तड़का लगा रहे हैं। जीरा को तड़कने देंगे, थोड़ा सा कढ़ी पत्ता, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, इसे भूंज लेंगे। लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ऐसे चला चला के लो फ्लेम पर फ्राई करना है। तेल में ही हल्दी डाल देंगे ताकि हल्दी पक जाए। एक चम्मच धनिया पाउडर, धनिया पाउडर का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, धनिया पाउडर जरूर डालें। सब मसाला हमारा फ्राई हो गया है। ये आलू को बॉईल करके मैश करके रखे हैं, आधा केजी आलू है, आलू को हम डाल देंगे इसी में। डाल के अच्छे से इसको मिला लेंगे। गैस का फ्लेम लो रहेगा मिलाते समय ताकि अच्छे से मिल जाए। इसमें कुछ और मसाले हम ऐड कर देते हैं, स्वाद अनुसार मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला, टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला का भी यूज कर सकते हैं। इसे सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे आलू को। स्टफिंग फ्राई हो गया है, इसमें थोड़ा सा मूंगफली डालेंगे। मूंगफली को भूंज के छिलका उतार लिए हैं, इसको डाल दें, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मूंगफली का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, थोड़ा सा मूंगफली जरूर डालें इस रेसिपी में। इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे फैन में। इसे निकाल लेते हैं, गैस ऑफ कर देते हैं। इसे ठंडा होने के लिए फैन में रख देते हैं और इसका आटा लगा लेते हैं। वो हम नाश्ते का आटा लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने आधा केजी मैदा लिया है, मैं मैदा का बना रही हूँ। आप चाहे तो इसका आटा का भी बना सकते हैं। इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच करायल, मंगरेला इसे बोलते हैं, कोई करायल भी बोलता है, कोई मंगरेला भी बोलता है, कोई काला जीरा भी बोलता है, हर जगह की अपनी अपनी भाषा है। आधा चम्मच अजवाइन, अजवाइन को ऐसे हाथ पर क्रश करके डालेंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। रिफाइंड तेल, चार से पांच चम्मच तेल डालेंगे ताकि अच्छा क्रिस्पी बने। ये अच्छे से इसमें मोहन देंगे, इसको ऐसे हाथ से मिलाएंगे अच्छे से। अच्छे से इसको मसलना है। हमने सब मिक्स कर लिया अच्छे से। देखिए इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा चाहिए ताकि क्रिस्पी बने। देखिए ऐसे हाथ में करने पर ऐसे बंधा जा रहा है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे।
इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा गीला नहीं करना है ताकि आटा हमारा गीला ना हो। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते करते इसको लगाएंगे आटा को। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखिए ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा लगाना है। देखिए इतना टाइट आटा लगाना है, ज़्यादा ढीला ना ज़्यादा टाइट, नॉर्मल आटा लगाना है। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, तब इसके आगे का प्रोसेस में चलेंगे। इसका 10 मिनट की रेस्ट हो गया है आटे को, इसका इतना छोटा छोटा गोली बनाएंगे, ऐसे ही साइज का गोली काट लेंगे। इसका इतना बड़ा बड़ा बॉल्स बना लेंगे। इसको थोड़ा सा हम मैदे में डिप करेंगे, ऐसे करते हुए इसको ऐसे फैला लेंगे। इसको बेलना है, ऐसे आराम से बेल लेंगे। मैदा बेलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है लेकिन फिर भी आराम से बेला जाता है। और चिपके तो थोड़ा सा मैदा, सूखा मैदा का यूज कर लेंगे। इसी के बराबर का एक और हम बेल लेंगे। इसका मोटाई इतना होना चाहिए, ज़्यादा न पतला न ज़्यादा मोटा, थोड़ा सा हल्का मोटा रहना चाहिए तभी क्रिस्पी अच्छा बनेगा। अब इसमें हम बीच में स्टफिंग रखेंगे, ऐसे स्टफिंग बीच में रखेंगे, स्टफिंग रख के और ऐसे उंगली के सहारे इसको दबा देंगे ताकि बराबर हो जाए। इसके साइड साइड में पानी लगाएंगे चिपकाने के लिए, चारों तरफ पानी लगा लेंगे, ऐसे पानी लगा लेना है। ये दूसरा वाला परत इस पे रख के और चारों तरफ ऐसे उंगली से दबाते हुए ऐसे चिपक भी जाएगा और साइड को पतला करना है। इसे ऐसे उंगली से जितने दबाएंगे इतना पतला होगा ये, इसको पतला कर लेना है, मोटा नहीं रहना चाहिए। इस साइड का इतना पतला हो गया है। अब इस पे हम डिजाइन बनाएंगे। देखिए डिजाइन कैसे बनाना है, ऐसे थोड़ा सा हाथ से ऐसे प्रेस करते हुए, ऐसे उंगली से प्रेस करते हुए ऐसे, जैसे चंद्रकला मिठाई में डिजाइन बनाते हैं ना वैसे ही डिजाइन बनाना है। ऐसे उंगली से ऐसे दबाते हुए ऐसे मोड़ देना है, ऐसे उंगली से दबाते हुए ऐसे मोड़ देना है, ऐसे उंगली से दबाएंगे ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे ही बनाना है। हम फटाफट बना देते हैं कैसे, बहुत जल्दी बन जाता है ये। इसको बना के एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत खाने में अच्छा लगता है और आसानी से बन भी जाता है। देखिए ऐसे मोड़ना है, ये कितना जल्दी बन के तैयार हो गया ये। ये कितना सुंदर बन गया, ऐसे हम सारा बना लेंगे। 5 ठो हमने बना लिया है, देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे ही सारा बना लेंगे और इसे तल लेंगे। तलने के लिए गैस ऑन करके गैस पर कढ़ाई रख दिए हैं, उसमें रिफाइंड तेल डाले हैं। इसको रिफाइंड तेल में ही तलना है, सरसों के तेल में अच्छा नहीं लगेगा। तेल गर्म हो गया है, तेल को चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें से बबल्स निकलने लगे हैं, तो तेल हमारा गर्म हो गया है। इसको निकाल के बाहर कर देंगे। तेल मीडियम गर्म रहना चाहिए, ज़्यादा हाई गर्म नहीं रहना चाहिए।
ऐसे में ये डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसको तलना है, तभी ये अच्छा क्रिस्पी बनेगा। ऐसे बराबर इसको हिलाते रहेंगे। ये देखिए बीच का फूल गया है, अब इसे हम दूसरी तरफ पलट लेते हैं। देखिए हल्का हल्का गोल्डन हो गया है दूसरी तरफ से, इसको दूसरी तरफ पलट के इधर से भी पकाएंगे। मैंने दोनों तरफ पलट पलट के इसको अच्छे से पकाया है, ये पक गया है। देखिए ऐसे ही कलर होना चाहिए इसका, कितना सुंदर फूल के हुआ है, देख सकते हैं एकदम फूल गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये लीजिए हमारा खस्ता नाश्ता बनके तैयार है। इसे बना के मेहमानों को फटाफट खिला सकते हैं, बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको। इसे टमाटो केचप चटनी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। तो मेरे रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। थैंक यू।